नमस्कार दोस्तों, क्रिसमस के दिन बॉयफ्रेंड जैद दरबार के साथ शादी करने वाली गौहर खान रविवार को एयरपोर्ट पर नजर आई। दरअसल शादी के फौरन बाद गौहर अपने काम पर लौट आई है और वो लखनऊ में शूटिंग के लिए रवाना हो गई है। गौहर को एयरपोर्ट तक छोड़ने उनके पति जैद आए थे। हालांकि मजेदार बात यह थी कि जिस फ्लाइट में गौहर थी उसी में उनके एक्स बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन भी थे। कुशाल अपने होम टाउन लखनऊ एक शूट के सिलसिले में जा रहे थे। कुशाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने गौहर को शादी की बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, एक हसीन इत्तेफाक। वीडियो में कुशाल कहते हैं, तो मैं अपने होम टाउन जा रहा था और देखिए मैं किससे मिला, स्वीट फ्रेंड से। हम बाय चांस मिले, मैं उसे स्टॉक नहीं कर रहा। ये सुन गौहर हंस पड़ती है। कुशाल आगे कहते हैं, ये बहुत सुंदर लग रही है, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। शायद मुझे आपको रियल में मुबारकबाद देनी थी, शादी मुबारक गौहर। आखिर में कुशाल कहते हैं, हाय किस्मत। कुशाल और गौहर का अफेयर बिग बॉस 7 के दौरान तब शुरू हुआ था जब वे इसके कंटेस्टेंट हुआ करते थे। अक्टूबर 2014 में उनके ब्रेकअप की पुष्टि खुद कुशाल टंडन ने की थी। कुशाल ने सोशल साइट पर लिखा था, दोस्तों अब गौशाल जैसा कुछ भी नहीं है, माफ कीजिए मैं खबर ब्रेक कर रहा हूँ, गौहर और मैं अब एक साथ नहीं है। बता दें कि गौहर कुशाल ने अपने नाम को मिक्स कर गौशाल बनाया था। ब्रेकअप के करीब 2 साल बाद गौहर और कुशाल टंडन का झगड़ा खूब सुर्खियों में रहा। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई थी। दरअसल दोनों के बीच इस फाइट की शुरुआत एक इंटरव्यू के बाद हुई जिसमें कुशाल ने कहा कि वे कभी गौहर से दोस्ती रखना भी पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद गौहर कुशाल पर भड़क गई और उन्होंने कुशाल पर आरोप लगा दिया कि वे यह सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं।